चलिए दोस्तों, आज चलते हैं लक्ष्मी नारायण कृपाण वक्स, जो कि आड़ा बाजार जोधपुर में स्थित है, और वहां चल के देखते हैं एक नायाब कला का नमूना जिसको कहते हैं कोफ्तागिरी वर्क्स। लक्ष्मी नारायण कृपाण वक्स फर्म के मालिक मिस्टर घनश्याम जी ने हमको बताया कि कोफ्तागिरी क्या होती है और उसका इतिहास और इसकी कला के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने अपने फर्म पर रखी हुई कुछ हस्तकला के आइटम्स भी हमको बताए, जो बहुत ही खूबसूरत थे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं लक्ष्मी नारायण कृपाण वर्क्स। सर जी, कोफ्तागिरी वर्क में अपने बाल की जैसा तार होता है चांदी का, ठीक है, और उस तार से ही सारी डिजाइन भरी जाती है, और ये तार पूरा चांदी का रहता है, ठीक है। इसमें जो भी वर्क रहेगा, चाहे इसमें आप सोने का करवाइए तो भी वो सोने के तार से भरा जाएगा, ठीक है, और चांदी में करो तो चांदी से भरा जाएगा। ये 100 साल पहले पुरानी कला है, जो कि अभी तक अपन विरासत में लेके चल रहे हैं, और इसमें करीब 1000 से ज़्यादा इसमें कारीगर काम करते थे, लेकिन अब समय के अनुसार इसमें कारीगरों में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, जो काम होना बंद हो चुका है। और कोफ्तागिरी आर्ट एक बहुत अच्छा और बेहतरीन काम होता है, जिसमें सोने चांदी का है, तो इसमें आप अपने कुंदन का भी वर्क करवा सकते हैं। ये कोफ्तागिरी वर्क का ये ट्रेड है, ये 100 साल पहले की पुरानी कलाकारी या परंपरा से चला आ रहा है। बोलो धीरे 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 नीचे ले लो जी। ये है सर जी, पूरा हाथ का वर्क, ये देखिए आप, पूरा हैंडमेड है, इसमें मशीन का कोई यूज नहीं है सर। ये लेदर के ऊपर पेंटिंग आएगी सर। ये अपने जोधपुर का लोगो, ठीक है सर, ये आएगी आपके कोफ्तागिरी वर्क में, अंदर ब्लेड आएगा, डमस्कस का ब्लेड आएगा। ठीक है, ये दो धारी तलवार, ठीक है सर। जय शिवाजी महाराज, आवाज दो, जय शिवाजी महाराज। ठीक है, अब जस्ट अटन जो हाथ आपके अंदर, ये सर जी तीर धनुष, ये बच्चों को सिखाने के लिए घर के अंदर आप बच्चों को सिखा भी सकते हैं। ये सर सिस्को कंपनी की एयरगन, ठीक है सर, इसमें जानवरों को पक्षियों को भगाने के यूज में काम आती है, ठीक है, ये इसका यूज है। यहाँ पे चर्रा लगता है और ये इसका आवाज है, ये इसकी आवाज रहेगी। ठीक है, जस्ट नीचे करो, हाथों हाथ फोन नीचे पटक दो, आप लोग स्टार्ट करो, थोड़ा सा ले लो मुझे तो सब। ये है सर जी मराठा कटार, जिसको मराठा कटार भी बोलते हैं और वीर दुर्गादास कटार भी बोला जाता है, ठीक है सर। ये आ जाएगी राजस्थानी कटार, जो कि शादी विवाह मंदिर पूजन में यूज ली जाती है, ठीक है। ये है चांदी के कोफ्तागिरी वर्क वाली कटार है, ठीक है सर।
ये आ जाएंगे आपके, त्रिशूल है, भाला है, ये भाला आ जाएगा, ये पेज कवच बोलते हैं इसको, इसका यूज होता है सर, ये पेज कवच के अंदर ये वार करता है सर। ये आ जाएगी आपकी नेपाली कुकरी, जिसको नेपाल के यूज लोग यूज करते हैं। ये आ जाएगी राजस्थानी कटार, ये अपने राजस्थान के जैसलमेर जिले का लोगो है सर, राजपूतों का लोगो है, उत्तर भाड़ किवाड़ भाटी। ये आएंगे सर घर के बाहर गेट के ऊपर लगाने के यूज के हिसाब से, ये है घर के अंदर लगाने के लिए। इसमें पैटर्न एक ही मिल जाएगा आपको, ये मेवाड़ उदयपुर मेवाड़ का है और ये भी आपके घर में लगाने के काम का है। ये आ जाएगा सर जी, ये है परशुराम जी का पड़सा, ठीक है सर, ये शादी सॉरी मंदिर पूजन में भी काम में लिया जाता है और घर में डेकोरेशन के हिसाब से भी काम में लिया जाता है। ये घर में लगाने के लिए गिफ्ट आइटम के हिसाब से राजस्थानी वर्क के अंदर ये शील्ड बोला जाता है सर इसको, ठीक है सर। ये आ जाएंगे गाड़ी के ऊपर लगाने के लिए अलग अलग मोमेंटो, अलग अलग कास्ट के हिसाब से, ये है सोलंकी कास्ट से, ये है अपने राठौड़ समाज से, ठीक है सर। ये आ जाएगा जयपुर समाज से, ये अपने परिहार इंदा, ठीक है सर, और ये है अपने मोमडन भाइयों के लिए, ये शिवाजी महाराज का लोगो है, ये अपनी गाड़ी बुलेट्स बाइक्स पे लगाने के लिए। ये परशुराम जी का शील्ड है सर, इसका साइज है करीब 3 फीट का, ठीक है।